फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, रूम ही अलमारी से बैठ के लगा हुआ है और रूम की हालत जो है ना वो टोटली खराब हो चुकी है। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? जो क्रिश्चियन लोग होंगे उनको तो पता होगा कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो फिर क्या हो गया, सारे गायब हो गए। बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके बाद जो है ना उसको चर्च में से बरकत दिलवाई जाती है, यानी कि बपतिस्मा होता है, सबको पता है। लेकिन जो क्रिसलिन भी कहते हैं, बपतिस्मा भी कहते हैं, और जो नॉन मुस्लिम है ये उनके लिए, बाकी क्रिश्चियंस को तो पता ही है। तो उनकी है आज एक पार्टी, मतलब सुबह बपतिस्मा हो गया था, शाम में अभी पार्टी है, तो वहां पे इनवाइट किया हुआ है इनको जो है ना, हमने बड़ी जबरदस्ती तैयार करवाया है। ये कह रहे थे हमने नहीं जाना, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता यार, जाना चाहिए। किसकी है? ये देखो ये लड़का ऐसा है कि इसको पता ही नहीं कि किसने इनवाइट किया, बिल्कुल हमारे घर के सामने। कौन? अभी बताती हूँ मैं। तो बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ सब कैसे रेडी हुए। मेरा सूट पुराना ही यार, आजकल मैं पुराने ही कपड़े पहन रही हूँ, क्या करूँ, है ही नहीं है नए। वनीसा से गोरा मैं लग रहा हूँ। हाँ, मेरा प्यारा। चलो मैं बैक कैमरे से सबको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा प्यारा बेटा रोमी, जिसने बटन जो है वो खोले हुए हैं और अभी शूज नहीं पहने। और जो मैं इसके कपड़े इस्त्री करती हूँ ये नहीं पहनता है, ये इसकी आदत है। चलो और कौन आएगा इधर, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ जल्दी, आ जाओ भाई, टाइम नहीं है। खैर है, जूती कोई बात नहीं। तो ये है वीनू। वीनू तेरे सूट का राज बताओ, ये सूट था मेरा। यप, एंड ये मैंने एक बार पहले पहन चुकी हुई हूं। हाँ, और की बर्थडे पर। हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये निशा वाले इयररिंग्स प्यारे लग रहे हैं इसके साथ। तो मैंने ये पहना था इसके और पापा की, मेरी बहुत सारी इसमें पिक्चरें और बहुत मजे मजे की हैं। ये न्यू ईयर आपने पहना था? हाँ शायद न्यू ईयर नहीं था, हाँ न्यू ईयर था आई थिंक। चलो निशा आ जाओ अब, निशा। ये देखो निशा प्यारी लग रही है, सारी गोल्ड एक्सेसरीज पहनी है, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जूती ये वाली पहननी है, और ये वाला भी जो है ना मैंने पहना हुआ है ना, वीनू ने भी पहना हुआ है। हाँ ये थोड़ा लूजर है ना, इसलिए मुझे आ गया था, वरना मुझे इनके नहीं आते, ये तो इतनी सी और मैं इतनी सी हूँ। तो पापा अभी इनके आए नहीं है, और मैंने बाल जो है ना वो आगे से सारे बांध लिए हैं ताकि मुझे गर्मी ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, और सबसे ज़्यादा जो है ना वो पसीना मुझे आता है। तीनू रह गई है, तीनू ने अपने बाल कर्ल खुद किए हैं, इतनी टैलेंटेड है, छोटी सी है। तानू तीनू तानू आपने लेना, इट्स माय टर्न। और ये मेरा सूट पुराना ही है, क्रिसमस पे मैंने पहना था, बट दुपट्टा मैंने चेंज किया क्योंकि वो बहुत हैवी था, उसका बॉर्डर इतना चौड़ा था और यहाँ गर्दन में बहुत लगता है वो, तो मैंने कहा चलो क्रिसमस पे तो ठंड थी तो इतना फील नहीं हुआ ना। और ये वाली जूती जो है ना मुझे बहुत पसंद है, इतनी लाइट वेट है और इतनी मजे की है ना, चाहे घंटों इसको पहने रखो। और वैसे भी मुझे हील वाली पसंद नहीं है, और ये काफी दिनों बाद मैंने अपना ब्रेसलेट निकाला और पहना है, पहनती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों इसको नहीं मैं पहनती। ये अभी मैंने अभी मैंने आपको वो दी अपनी वॉच, उसको सही करके दो। ले लो भाई। अच्छा क्या करूँ, छोटी करूँ? हाँ वो इस तरफ से, यहाँ से जी। ठीक है जी। और ये अपनी दादों की घड़ी पहनती, जान नहीं छोड़ती, इसके पापा ने ला के दी थी इसकी दादों को, लेकिन इससे जो है वो प्रॉमिस किया हुआ इसको भी ला के देंगे, ऐसी इसको बहुत पसंद है। तानू रह गई है, चुप हो जा, ये लड़का जो है ना पबजी की जान नहीं छोड़ता, मुसीबत कर ली है हमने इसको फिर से जो है ना वो करके। तो बस हम लोग जा रहे हैं, दादो रह गई थी, दादो को भी दादो जल्दी जल्दी इधर आ जाओ। ये है दादो की दुपट्टा, मेरे सूट के साथ भी अच्छा लगना था ना। मुझे तो पूरा ही नहीं है ना, नहीं क्या है तो नहीं, अरे बच्चों बोल रहे हो करके आ जाएगा वो ना, ना मैं खा दूँ। ओ किसी तरह आ जाओ, क्या हुआ कह रहे फोन अंदर रखूं मैं? नहीं कह रहा, कोई गल नहीं। तो
भाई गानों की वजह से अब यहाँ पे करनी पड़ रही है मुझे वॉइस ओवर, और सेटअप जो है बहुत खूबसूरत लगा हुआ था, और तानू जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं आती, और यहाँ पे ये आई तो मैंने निशा को कहा जल्दी से इसकी वीडियो बना दो क्योंकि फिर इसने भाग जाना और हमें पता नहीं चलना कि तानू कहाँ। और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए ये करेक्टर्स भी बुलाए हुए थे जो कि पूरे हॉल में घूम रहे थे, और इसके अलावा ये जंपिंग कैसल भी जो है ना वो लगाया हुआ था ताकि बच्चे यहाँ पे चिल आउट करें। चिल आउट क्या करना, बच्चे तो इसमें उछल उछल के जो है ना वो थक रहे थे, और मेरी तानू तो भाई टिकी नहीं रही थी। मैं 3-4 मरतबा इसको ले के आई हूँ वहाँ से, लेकिन वो फिर भाग जाती थी और अपनी फ्रेंड के साथ खूब इंजॉय कर रही थी। ओवरऑल जो है ना वो बेस्ट सेटअप था, मतलब जिस तरह की पार्टी थी ना उसके हिसाब से बहुत ही बेस्ट था। उन्होंने किसी किस्म का जो है ना वो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मतलब हर चीज़ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, पॉपकॉर्न भी थे, फिर वो भी थे कैंडी फ्लॉक्स भी थे, और कैंडी फ्लॉक्स ही कहते ना वो माई बुडी के बाल, और हम लोग बस बैठ के चिल कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे, आते जाते लोगों को देख रहे थे, जो जानने वाले थे उनसे मिल रहे थे। और यहाँ पे अनीशा कर रही थी अपनी दादू के साथ चिल, फिर जो है वो जूस सर्व कर दिए गए, और ये तानू की बाजी हैं यानी कि ट्यूशन टीचर हैं, तो इनको भी मैं कहती थी आज इस बार जो है ना वो आप भी हमारे व्लॉग में आ जाएंगी। और जूसेस में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, मतलब अनार का था, ऑरेंज था, मैंगो था, और आई थिंक एक और भी था। और यहाँ पे एंट्री हो गई थी, बच्चा बहुत ही प्यारा क्यूट सा लग रहा था, इसलिए मैं दिखा रही, कुछ लोग अच्छा नहीं समझते और बगैर इजाज़त के ना किसी की वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी, बस थोड़ा सा क्लिप दिखाया है। और ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद यही है कि किसी को अगर कोई मतलब आइडियाज़ मिल जाते हैं इस तरह की वीडियो से। जब हमने बच्चे और इस खुशी को जो खानदान आप सबके साथ सेलिब्रेट करता है, इस सारी प्रेयर हो गई, केक कट गया, फिर उसके बाद ये इस तरह के पाउच इन्होंने सबको दिए, यानी कि एक एक फैमिली को एक एक पाउच दिए थे। इसमें बहुत ही जो है वो एक ज़बरदस्त चीज़ थी, वो थी रोज़री। क्रिश्चियन लोगों को पता होगा क्या है, मुस्लिम्स के लिए मैं ये बता दूँ कि जैसे तस्बीह होती है ना वैसे ही हमारी रोज़री होती है जो कि पढ़ी जाती है, और साथ में चॉकलेट्स थी। पहले में तो मैं इसको देख के एकदम से हो गया है ही गोल्ड भी दे फिर पता चला कि इसमें चॉकलेट है, लेकिन यह है कि बहुत ही क्यूट क्यूट छोटी छोटी सी इसमें जो है वो चीज़ें थी। और यहाँ पे हो गया था खाना सर्व, और जब भी मैं खाने में कम चीज़ें देखती हूँ ना यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है। बहुत ज़्यादा खाना जो है ना वो शादियों में मुझे पसंद नहीं है, मतलब 2-3 चीज़ें ही होनी चाहिए ताकि लोग रिलैक्स होके खाएं, ज़्यादा खाना देख के ना लोग पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी थी, वो भी गोश्त की, और कढ़ाई था, चिकन कढ़ाई थी, बहुत ही टेस्टी था, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी और मीठा भी था, और रायता सलाद था। इसके अलावा पहले जूस सर्व किए गए थे और बच्चों के लिए और भी चीज़ें थी, तो बेस्ट था ओवरऑल सब कुछ। तो अभी हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए, और पान बड़े मज़े का है, सब है, बट तानू जो है ना वो गाय पे मैजिक शो शुरू हो गया था, तो वो आगे जाके बैठ गई। अब उसका पापा जो है ना उसको ढूंढने गया, और रोमी सीट पे बैठ गया, ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। इसको बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, मजा आया निशा भी ना सुबह सुबह। अभी हम लोग आ गए और घर जाओ, नहीं और ये तानू जो है बहुत तंग, पूरे टाइम ये भागती रही है और इधर उधर, हमारे पास तो इसको पसंद ही नहीं है बैठ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर क्या करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। और हो सके तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।